नमस्ते प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शालिनी और मैं हूँ आपकी टीचर दोस्त। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का पाठ 8, कक्षा 2, और पाठ का नाम है 3 दोस्त। दोस्त तो आपके बहुत सारे होंगे, है ना? मैं भी आपकी दोस्त हूँ और भी आपके दोस्त आपके स्कूल में होंगे, आपके घर के आसपास होंगे, है ना? ऐसे ही आज मैं आपको 3 प्यारे और ख़ास दोस्तों के बारे में बताऊंगी जो कुछ हटकर हैं। मिलना चाहेंगे? देखिए इन रंग बिरंगे प्यारे प्यारे दोस्तों को। बात पुरानी है, तब बस 3 ही रंग थे, लाल, पीला और नीला। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में, जैसे टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार, जो मुस्कुराकर देता था रोशनी लगातार। आसमान भी नीला था और समुन्दर भी, पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी। तीनों पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने कहा, हमें और दोस्त चाहिए, चलो नए दोस्त बनाएं। और वो निकल पड़े दोस्ती की तलाश में। और देखो क्या हुआ, लाल और पीला साथ चले, तो एक नया दोस्त मिला नारंगी। पीले और नीले ने हाथ मिलाया, तो एक नया दोस्त मिला हरा। लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला बैंगनी। और इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। तो देखा बच्चों, अलग अलग रंगों ने मिलकर आपस में कितने सारे नए दोस्त बना लिए। आप भी खूब सारे प्यारे प्यारे दोस्त बनाइए, चाहे वो किसी भी रंग या रूप के हों, और उनके साथ मिलजुल कर रहिए। बातचीत के लिए तो ये कविता आपने बहुत ध्यान से सुनी है ना? तो फिर मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए, मैं भी तो देखूं आपने वाकई ध्यान से सुनी है या नहीं। 1, क्या आप भी इन्हीं रंगों की तरह अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? अगर रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं रहते हैं तो बिल्कुल रहना चाहिए, तभी तो आपके बहुत सारे दोस्त बन पाएंगे। आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं, ये है आपका अगला प्रश्न। उनसे माफी मांगकर या उनकी पसंद की कोई चीज उन्हें देकर, कैसे? सोचिए सोचिए। 3रा प्रश्न, क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है? क्या सूरज हमेशा पीला होता है? क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। आसमान सुबह के समय कैसा दिखता है, दोपहर में और शाम को या रात को कैसा दिखता है? अलग रंग का दिखता है ना? तो सोचिए वो रंग कौन से होते हैं और बताइए। अगर ना समझ में आए तो अपने परिवार में किसी से पूछिए। 4, आप नए मित्र कैसे बनाते हैं? रंगों की तरह आपस में मिलकर या किसी और ढंग से, बताइए। और अगर आपके पास कोई तरीका समझ में आपको नहीं आ रहा है तो अपने शिक्षक से पूछें। अब आप यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। 1, कहानी में आए रंगों के नाम लिखिए। 2, वाक्य पूरा करें। तीनों रंग पक्के दोस्त थे, फिर भी उन्होंने नए दोस्त बनाए, क्योंकि? अपना जवाब यहां दिए गए खाली स्थान में लिखिए। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको कविता में ही छिपा हुआ मिलेगा, जल्दी से ढूंढिए और अपना जवाब लिखिए। 3, विद्यालय में नारंगी, हरी और बैंगनी रंग की वस्तुओं को खोजिए, उनके नाम भी लिखिए।
यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसके तीन भाग हैं। पहले भाग में नारंगी वस्तुएं और दूसरे भाग में हरी वस्तुएं और तीसरे भाग में बैंगनी वस्तुओं के नाम लिखने हैं। मैं मदद करूं? जैसे मेरे स्कूल में नारंगी रंग की बस थी, और आपकी? ऐसे ही बहुत सारे नारंगी रंग के फूल भी थे। और इसके आगे अगर मैं याद करूं तो हरे रंग के झूले लगे हुए थे, और कक्षा की दीवार बैंगनी रंग की थी। अब आप सोचिए, इसी तरह से सोचकर आप भी इस तालिका को पूरा कीजिए। और अब एक और खेल, शब्दों का खेल। रंगों के नाम लिखिए। आ की मात्रा वाले रंग और बिना आ की मात्रा वाले रंगों के नाम लिखने हैं। जैसे आ की मात्रा वाला एक रंग है लाल, और बिना आ की मात्रा वाला रंग है बैंगनी, है ना? चलिए, इसी तरह आपको और नाम याद करने हैं, सोचने हैं और रिक्त स्थान में लिखने हैं। रंगों की बात हो और चित्रकारी की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो चलिए थोड़ी सी चित्रकारी हो जाए और कुछ लेखन की बात हो जाए। सबसे पहले आप अपनी पसंद के रंग के बारे में सोचिए। चलिए मान लेते हैं आपको पीला रंग बहुत पसंद है। अब आप ये बताइए कि पीला रंग आपको किन किन चीजों की याद दिलाता है? जैसे मुझे तो याद दिलाता है पीले स्वादिष्ट आम की, और जैसे पीले रंग के फूल, और ऐसे ही और वस्तुओं के बारे में आप सोचिए और यहाँ दी गई खाली आयताकार आकृति में उनके चित्र बनाइए और उन वस्तुओं से जुड़ा कोई भी मजेदार वाक्य लिखिए। है ना मजेदार? तो बुलाइए अपने दोस्तों को और शुरू हो जाइए चित्र और बातचीत। प्रकृति के रंग। चित्रकारी से ही जुड़ा एक और मजेदार खेल हम खेलेंगे, लेकिन इस बार आपको चित्र बनाना नहीं है बल्कि पहचानना है कि चित्र में कौन सी चीजें दी हुई हैं। जैसे इस पहले चित्र में केले का पेड़ है, उस पर केले का गुच्छा लगा है, उसी के पास एक गुलाब का फूल खिला है, और केले के पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक माली है जो मिट्टी खोद रहा है, और माली के सिर पर एक इल्ली बैठी हुई है, और पीछे एक भूरे रंग का केचुआ भी है। सूरजमुखी के सुंदर सुंदर फूल भी हैं जो पीले रंग के हैं, जो आपको बहुत पसंद है। उसके पास एक भंवरा भी है, और लाल हरा तरबूज तो देखिए, और भूरे रंग के बीच में से एक हरा नन्हा पौधा निकल रहा है, देख रहे हैं आप? हरी हरी घास है, कितना सुंदर प्यारा रंग बिरंगा बगीचा है, है ना? तो इस सुंदर से बगीचे पर एक प्यारी सी कहानी बनाइए, और ये कहानी अपने शिक्षक या शिक्षिका को सुनाइए और अपने दोस्तों को भी। चित्र से जुड़े कुछ वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए और उन्हें अपने माता पिता को भी दिखा सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, आज का हमारा ये पाठ तीन दोस्त यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार आपसे मुलाकात होगी एक नए पाठ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते पढ़ाते रहिए। नमस्ते।